आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर में फॉर्मूला के अंदर में डीबी फंक्शन का क्या काम है। डीबी फंक्शन मतलब डिप्रिसिएशन कैलकुलेट डिप्रिसिएशन। ये डिप्रिसिएशन क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग ये समझे कि डिप्रिसिएशन होता क्या है, सेल्वेज वैल्यू हम लोग उसको निकालते कैसे हैं। सपोज कीजिए कि हम कोई सामान खरीदते हैं, आप कंप्यूटर खरीदते हैं, आप मोबाइल खरीदते हैं, आप गाड़ी खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, उसका कुछ प्राइस होता है। उसका कुछ साल के बाद क्या, अगले साल उसका इनिशियल वैल्यू कम होते चला जाता है। सपोज कीजिए कि आप कोई गाड़ी ही इंश्योर कराते हैं, तो जिस साल खरीदते हैं उस साल उसका कॉस्ट कुछ और होता है, अगले साल में उसका कुछ कॉस्ट और होता है, उस पर हमको टैक्स देना पड़ता है या इंश्योरेंस कराना पड़ता है। तो इसी टाइप का काम करने के लिए कि कैसे निकालता है, कैसे काम करता है, इस टाइप का काम करने के लिए हम लोग इसको डीबी फंक्शन फॉर्मूला कहिए या डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहिए। तो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मतलब है, सपोज कीजिए कि हम एक यहाँ पे एग्जांपल बनाए हैं, जिसमें कंप्यूटर है 30,000 रुपया उसका इनिशियल कॉस्ट है, 5 साल के बाद उसका 5,000 वैल्यू हो गया, इसको हम लोग सेल्वेज वैल्यू बोलते हैं। तो 5 साल के बाद जो हो गया ये डिप्रिसिएशन, ये हुआ कैसे, ये कितना परसेंट पर कम हुआ, या इसका कैसे डिप्रिसिएशन निकालेंगे ताकि आपको लगे कि हमारा 5,000 वैल्यू आ गया 5 साल के बाद। तो इसी टाइप का वर्क करने के लिए हम लोग ये डीबी फॉर्मूला डिप्रिसिएशन का यूज करके कर सकते हैं। या दूसरे बात में कह सकते हैं कि डीबी फंक्शन का मतलब है कि डिक्लाइन बैलेंस मेथड। डीबी मेथड का उपयोग करके निश्चित अवधि के लिए किसी वस्तु या संपत्ति का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जा सकता है। तो निश्चित अवधि हमने यूज किया, और डीबी फंक्शन मतलब ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो डिक्लाइन, मतलब डिक्लाइन बैलेंस मेथड पे हम लोग इसका काम करके देखते हैं, तो इस तरह से होता है। तो हम यहाँ बनाए हैं, अब आपको हम निकाल के बताएंगे कि कैसे ये आपका डीबी फंक्शन मतलब डिप्रिसिएशन आपका कैसे कैलकुलेट करता है। अब यहाँ पे हम लिखे हैं, सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे ईयर दिए हैं, डिप्रिसिएशन लिखे हैं, और 5 साल के लिए डिप्रिसिएशन कितना लगा ये हम लोग चेक करके देखते हैं। आप लगाइए, इस कंटू दीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे आप डीबी, क्योंकि हमको डिप्रिसिएशन लिखाना है, ये लिखता है रिटर्न्स द डिप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड यूजिंग द फिक्स्ड डिक्लाइन बैलेंस डिक्लाइन मैथ बैलेंस मेथड, ये लिखता है, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम आपको निकाल के बताएंगे कि डिप्रिसिएशन कैसे करता है। तो आप ब्रैकेट दीजिए, अब यहाँ पे करता है कॉस्ट। तो जो कॉस्ट लिखता है, कॉस्ट का मतलब होता है दिस इज द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द एसेट, मतलब आपका संपत्ति इनिशियल मतलब कितना में था जब आप उसको आप खरीदे थे। तो हमारा 30,000 रुपया हो गया, कॉमा दीजिए। अब कहता है सेल्वेज, तो सेल्वेज का मतलब कह सकते हैं कि दिस वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ डिप्रिसिएशन। तो सबसे लास्ट में जो आपको जितना है वो आपको, सपोज कीजिए कि हमारा 5,000 है, फिर आप कॉमा दीजिए। अब हमारा लाइफ पूछता है, तो कितने साल के लिए, तो हमने यहाँ पे बनाया है लाइफ पीरियड और 5 साल के लिए, आप कॉमा दीजिए। अब अगर इसमें आप 1 लिखते हैं तो 1 साल के लिए होगा, 2 लिखते हैं 2 साल के लिए, 3 लिखते हैं 3 साल के लिए, 4 लिखते हैं 4 साल के लिए। तो आप इसमें हम एक ही बार चाहते हैं कि निकाल लेना, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे ईयर के हिसाब से, और ब्रैकेट बंद करके हम लोग इंटर मार देंगे। तो हमारा एक ये निकाल दिया, ये देखिए आपका पहला साल का डिप्रिसिएशन 30,000 इनिशियल कॉस्ट पे 9,030 रुपया हुआ, जो हुआ।
अगर इसको हम हर एक साल के लिए निकालना चाहते हैं तो निकालें, क्योंकि हम दे चुके हैं तो एक ही बार अगर पकड़ के खींच देंगे, सही निकला तो ठीक है, नहीं तो इस सेल वाले वैल्यू को हमको फिक्स करना पड़ेगा। हम करके देखते हैं, अगर ये नॉर्मली निकल गया तो ठीक है, नहीं तो इसके बारे में फिर हम लोग फिक्स करके निकालेंगे। आप जो ही इसको खींचेंगे ये देखिए हमारा ऐसे आया, इसका मतलब है कि हमको उस सेल वैल्यू को फिक्स करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से इसको पहले डिलीट करिए। अब इसी फॉर्मूला पे F2 दबा के हम लोग ले आते हैं और यहाँ तक इस सेल जो आपका बनता है, यहाँ से लेके इस सेल को हम लोग F4 मार के फिक्स कर लेते हैं। डॉलर का सिंबल लग गया और फिक्स हो गया। और इसको हम इसलिए नहीं बदले क्योंकि पकड़ के जब हम खींचेंगे, जब फार्मूला हमारा कॉपी होगा तो ये ऑटोमेटिक बदलते चला जाएगा और इसको नहीं बदलना है। आप फिर से इंटर मारिए, आ गया। अब आप इसको पकड़ के इसको खींच दीजिए। ये देखिए हमारा 5 साल का डिप्रेसिएशन अलग अलग, दूसरा साल में आपको इतना होगा, तीसरा साल में इतना, चौथा साल में इतना और पाँचवा साल में इतना होगा। अब टोटल डिप्रेसिएशन हमको क्या लगा, अब अगर इसको हम जोड़ लेंगे तो हमारा टोटल डिप्रेसिएशन निकल जाएगा। आप होम में चलिए, ऑटो सम पर क्लिक करिए और इंटर मारिए, तो ये आपका डिप्रेसिएशन आ गया। अब ये हमारा सही हुआ कि नहीं हुआ, हमारा जो पुराना वैल्यू कॉस्ट था वो जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम आपको यहाँ पे एक बनाए हैं, इसके नीचे में आप आइए, यहाँ पे हम आपको लिखे हैं टोटल इनिशियल कॉस्ट डिप्रेसिएशन वैल्यू हमारा आ गया। अब डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इनिशियल कॉस्ट में से टोटल डिफरेंस अगर हम निकाल लेते हैं तो डिप्रेशन वैल्यू निकाल लेते हैं तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो फिर वही इक्वल टू दीजिए, आप इनिशियल कॉस्ट में से माइनस कर लीजिए टोटल डिप्रेशन वैल्यू जो आप ऊपर निकाले हैं। ये देखिए ये अप्रोक्स 5000 यहाँ भी था और देखिए हमारा यहाँ आया। तो ये तो हमारा फॉर्मूला से काम होता है, तो फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग काम करके जानते हैं। अब इसी को इनिशियली हम समझेंगे कि ये वर्क कैसे करता है, ये कैसे निकाल के दे दिया। तो इस टाइप का जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि प्रतिवर्ष कितना प्रतिशत परसेंटेज लगा, ये हमको निकालना पड़ेगा। हम ये जानना चाहते हैं कि प्रतिवर्ष कितना परसेंटेज निकालना पड़ा। इसके लिए हम यहाँ पे निकाल के बताए हैं कि आपको हम यहाँ पे G2 मतलब कहने का मतलब पहले साल का जो आया ईयर सो उसमें आप भाग दे दें, जो हमारा इनिशियल कॉस्ट है उसमें परसेंटेज, तो आपका प्रतिवर्ष कितना डिप्रेसिएशन लगा ये पता चलेगा। करके देखिए, इक्वल टू दीजिए, पहले साल मतलब ये आया, आप गुना करिए और फिर सपोज कीजिए कि आप इसमें भाग दीजिए किससे, इनिशियल कॉस्ट जो हमारा आया है, और इसमें आप परसेंटेज लिख के यहाँ पे आप इंटर मारिए। ये देखिए जो ही हम मारे तो 30.10 मतलब 30% के हिसाब से आपका कैलकुलेशन लगा, ये हम जान गए। अब इसको हम मैनुअली चेक करके आपको बताएंगे कि ये हुआ कैसे, सही निकाला कि नहीं निकाला। तो इस टाइप का यूज करने के लिए हम फिर यहाँ पे एक डाटा बनाए हैं, 5 साल का 1, 2, 3, 4 लिखे हैं, वैल्यू है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है और कैसे हमारा काटता है, मतलब बनाता है वैल्यू आफ्टर डिप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर के लिए कैसे जाता है। सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे 30,000 हमारा अमाउंट है, आप लिखिए। अब रेट ऑफ डिप्रेसिएशन जो वहाँ पे है 30.10 या 30 भी लिखिए। अब डिप्रेसिएशन अमाउंट निकालना है तो डिप्रेसिएशन अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे रेट से तो हमारा डिप्रेसिएशन अमाउंट निकल जाएगा। आप इक्वल टू दीजिए, आपका वैल्यू 30,000 है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए रेट वाले से और इसमें हम लोग रेट में परसेंट लिख देंगे या 100 से आप भाग दे दीजिए और जो ही इंटर मारेंगे ये देखिए हमारा 9,030 रुपये आया। आप देख सकते हैं कि पहले साल का जो हमारा डिप्रेसिएशन आया था वो यही आया था। तो हम आपको इसी को मैनुअल कैलकुलेशन करके बता रहे हैं कि ये इतना आया। अब हम वैल्यू आफ्टर डिप्रेसिएशन नेक्स्ट ईयर, ये जो वैल्यू बचेगा ये नेक्स्ट ईयर के लिए चला जाएगा, तो इक्वल टू करिए, अब जो हमारा वैल्यू ओरिजिनल है उसमें से माइनस कर दीजिए फर्स्ट साल का डिप्रेसिएशन,
तो आपका नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा मूल वैल्यू हो जाता है। अब इसी को हम दूसरे साल में लाने के लिए इक्वल टू दबा के आप क्या करिए, इस सेल को क्लिक कर दीजिए और इंटर मारिए, तो आपको इतना आ गया। अब आप चाहें यही चीज़ हमारा 5 साल के लिए है तो आप इसको यहीं से पकड़ के इसको आप खींच दीजिए, तो निकाला। अब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन वही रहेगा तो आप इसको भी हम पकड़ के यहाँ से खींच देते हैं तो निकालेगा। अब आपका डिप्रिसिएशन अमाउंट खुद से वो घटा लिया करेगा तो हम इसको पकड़ के यहाँ खींच देते हैं और इसके हिसाब से अब वही चीज़ सब में करेगा तो आप इसको भी पकड़ के यहाँ से आप खींचिए। जो ही इसको खींचेंगे ये देखिए लास्ट में हमारा 5000 कुछ रुपया दिया। इसका मतलब है कि हम लोग जो वैल्यू निकाल के आपको डीबी फार्मूला से ये डिप्रेसिएशन फार्मूला से आपको बताए वो सही है। तो आपका कंप्यूटर ऐसे काम करता है, क्या करता है कि जो हम यहाँ पे वैल्यूएशन निकाले तो वो दूसरे साल के लिए मूल वैल्यू हो जाता है, फिर उस पर 30% रेट लगाइएगा तो इतना आएगा, फिर आप इस दोनों में से घटाएंगे तो इतना आएगा, फिर यही रेट तीसरे साल के लिए इनिशियल रेट हो जाता है। इसी तरह से हम लोग का कोई भी चीज़, सपोज ये कि हम लोग इंश्योरेंस ही कराते हैं, गाड़ी ही खरीदते हैं, तो क्या होता है आप जानते हैं कि गाड़ी जब खरीदाता है तो उसका कुछ वैल्यू और होता है। जब आप अगले साल इंश्योरेंस करने के लिए जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि वैल्यू आपका डिप्रिसिएशन कम गया, मतलब आपने इसको यूज किया था आपका इसका दाम कम गया। अब जो वैल्यू कमा, जो रेट सरकार तय करती है या निकाले उस रेट पर, ईयरली रेट पर कम करके जो आपको डिप्रिसिएशन बनता है उस पर आपको अब अमाउंट देने होंगे या करना होगा। तो इस टाइप का वर्क करने के लिए, डिप्रिसिएशन वैल्यू निकालने के लिए हम लोग डीबी फार्मूला का यूज करके देख सकते हैं। तो इस तरह से आप डिप्रिसिएशन कैसे हुआ, कैसे डिप्रिसिएशन हो गया और होता भी है, कोई भी सामान जब हम लोग खरीदते हैं तो जो सामान खरीदते हैं उसका 1-2 साल के बाद उसका दाम कम जाता है। आप जनरल भाषा में कोई भी चीज़, हम लोग भी कंप्यूटर खरीदते हैं तो जब आप अभी जो खरीदे सो और 2 साल के बाद खरीदेंगे तो उसका रेट कम हो जाएगा। आप सामान खरीदे और आप 2 साल के बाद उसको बेचने जाएंगे तो आपका हुआ कि नहीं, आपका पुराना सामान हो गया, इसका डिप्रिसिएशन लगेगा। तो डिप्रिसिएशन रेट कटता है, तो कैसे लगता है डिप्रिसिएशन रेट, कैसे कम हो गया, किस तरह से कम हो गया, इस तरह से हम लोग जानते हैं। तो डिप्रिसिएशन निकालने के लिए हम लोग इस रूप से भी कह सकते हैं कि डीबी फार्मूला मीन्स फिक्स डिक्लेइंग बैलेंस मेथड, विथ दिस मेथड वी कैन कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन ऑफ द एसेट और ऑब्जेक्ट फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। एक फिक्स्ड पीरियड के लिए आपका डिप्रिसिएशन करता है। तो इस तरह से हम लोग जाने कि एमएस एक्सेल के अंदर में डीबी फार्मूला में कैसे यूज करें, डीबी फार्मूला के अंदर में कैलकुलेट डिप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना भी आप जान सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल दे के आपको बनाए हैं। आप किसी भी चीज़ का सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे अगर कितना भी वैल्यू चेंज करें, अगर हम फॉर्मूला कॉपी करते गए हैं, अगर 50,000 ही हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो 50,000 के हिसाब से देखिए आपका डिप्रेसिएशन और सारा अंतर आ जाता है। तो इस टाइप से आप इनिशियल कॉस्ट कुछ भी करके आप सलवेज वैल्यू के हिसाब से ये करके और पीरियड 5 बरस 6 बरस आप जितना निकालना चाहे आपको डिपेंड करता है, हम आपको सिंपल सा एक कंसेप्ट बताए हैं। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि एमएस एक्सेल के अंदर में डीबी फार्मूला का डिप्रिसिएशन हम लोग कैसे निकालें। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम बनाए समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।